everyone, welcome to your very own easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, हमारी आज की biology में हम करने वाले हैं microbes in human welfare. ठीक है, one shot already हमने बहुत सारे chapters जो हैं complete कर लिए हैं and we are left only with ecology after this microbes in human welfare. और इसी के साथ ही आपका हो जाएगा पूरा का पूरा syllabus of 12th boards के लिए complete. ठीक है, तो बिना किसी देरी के start करते हैं हमारा chapter कौन सा, microbes in human welfare. बड़े छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, माइक्रोस्कोप्स. ठीक है, विच आर नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आइज. जनरली हम ये मानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस, लाइक बैक्टीरिया हो गए या कुछ वायरसेस हो गए. बट क्या ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है? जी हाँ, बिल्कुल है. तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो माइक्रोब्स है हमारी रूटीन की लाइफ में, हमें बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी मेडिसिंस हम माइक्रोब्स की हेल्प से बना सकते हैं, हमारा इवन जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो भी माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंडेंट है. कहने का मतलब ये कि इस अर्थ को क्लीन रखने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आज की वन शॉट क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. हमारे घरों में यूज होने वाले कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं और कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया जाता है. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. क्या क्या टॉपिक हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं? ठीक है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम माइक्रोब्स का रोल डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डिस्कस करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन, कैसे हम गोबर गैस ना कैसे हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनवाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह हम कैसे यूज करते हैं माइक्रोब्स को, और किस तरह से हम बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी इनको माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक अभी हमारे रहेंगे डिस्कशन के लिए. ठीक है, दिस टॉपिक आर टू बी डिस्कस्ड इन आवर वन शॉट क्लास. तो सबसे पहले देखो बेटा, माइक्रोब्स इन मतलब वेरियस माइक्रोब्स हमारे पास हैं कौन कौन से. ठीक है, माइक्रोब्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू अस बाय नेकेड आइज. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नंबर आता है बेटा बैक्टीरिया का सबसे पहला. ठीक है, तो बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के, बहुत सारी शेप्स के होती हैं एंड दीज आर द मोस्ट क्या बोलेंगे कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह आपको मिली जाते हैं. ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो बैक्टीरिया रोड शेप बैक्टीरिया, दीज आर द रोड शेप बैक्टीरिया. बेटा रोड शेप मतलब समथिंग ऐसी शेप के. ठीक है, और ये जो इनको मैग्नीफाइड किया गया है 1500x पर. देन है हमारे पास स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, इनको भी देखो राउंड शेप है, जिनको क्या बोलते हैं कोकस, है ना, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लाइक दैट. और फिर हमारे पास है एक ऐसा रोड शेप बैक्टीरियम जिसके बॉडी पर क्या है, फ्लैजेला है, जिसको भी हमने मैग्नीफाई किया है, दिस इज रोड शेप्ड बैक्टीरियम. कहने का मतलब ये बहुत ही काइंड के जो बैक्टीरिया है वो हम अभी तक हमारी नॉलेज में हैं. अच्छा, फिर देखो व्हाट इज बैक्टीरियोफाज. एक बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है बेटा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है. तो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफाज. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज. आपने अपनी 11th क्लास की बुक के अंदर भी ये स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, तो हेड होता है, कॉलर है, टेल है, देन इसके ये प्रॉन्ग्स है जिसकी हेल्प से अपने आप को बैक्टीरियम की बॉडी के ऊपर अटैच करवाता है. ठीक है, और हमने इसको कौन से एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हमने इनको स्टडी किया था. राइट, देन एडिनोवायरस जो क्या कॉज करता है बेटा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. देन रोड शेप के टोबैको मोजेक वायरसेस जिसके अंदर क्या होता है,
आरएनए इज अ, दैट इज अ आरएनए वायरस, और इसको मैग्नीफाई किया गया है अबाउट 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं बेटा, दैट कैन बी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पैट्री डिश, जब आप कल्चर करते हो बैक्टीरियम का, देयर कैन बी फंगस, फंगस भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो माइक्रोब, ठीक है। तो पैट्री डिश के अंदर दिस इज अ फंगल कॉलोनी, राइट, ओके। तो अब ये इतने सारे जो माइक्रोब्स हैं, कौन कौन से हमने देखे, बैक्टीरियम देखे हमने, वायरसेस देखे हमने, फंजाई के बारे में बात की, तो कैसे ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर बेनिफिशियल है, लेट अस चेक दैट। देखो सबसे पहली बात, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम का नाम है लैक्टोबैसिलस, दही आप सबने खाया होगा, ठीक है। और हमें पता है कि दही कैसे बनता है, जरा सा हम क्या लेते हैं बेटा, मिल्क के अंदर जरा सा इनेकुलम, मतलब जावन जिसको बोलते हैं, खट्टा मतलब दही जो हम बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे मिल्क के अंदर, जो मिल्क की प्रोटीन, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, कंडीशंस ऑप्टिमम देंगे, तो मिल्क की जो प्रोटीन है कैसीन, दैट विल बी कोएगुलेटेड, है ना, तो एक तरह से कर्ड बन जाता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो दूध से हमने क्या बना दिया बेटा, दही बना दिया, ठीक है। और ये दही हमारे लिए दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो कौन से बैक्टीरिया काम आए इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स, बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ठीक है, दैट क्वागुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, क्वागुलेट कर देंगे, क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। मिल्क प्रोटीन को किसने डाइजेस्ट किया बेटा, कुछ एसिड्स, कौन से एसिड्स, लैक्टिक एसिड, राइट। जो फ्रेश मिल्क है कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड, थोड़ा सा दही डाल दो बेटा, जिसके अंदर क्या होंगे, दही के अंदर बैक्टीरिया होंगे, कौन से, लैब लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। अब ये जो दही बना है ना आपका, इसमें विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है, विटामिन B12 इज इंक्रीज, और स्टमक के अंदर जो लैब है, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया है, दे चेक द ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेंस, दूसरे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, इसलिए आपसे आपको एडवाइस किया जाता है दूध नहीं पीते हो कोई बात नहीं, बट दही जरूर दिन में एक बार कंज्यूम करोगे, ताकि आपका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पर, दैट शुड बी फौना, इंटेस्टाइनल फौना शुड बी मेंटेन्ड, ताकि अच्छे वाले बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन के अंदर रह सके और बैड बैक्टीरिया को रोक सके, राइट। चलो, और अक्सर आपने देखा होगा जब भी कई बार बहुत ज़्यादा जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, इन केस आपने ले ली तो, जिसकी वजह से हो सकता है आपके जो बॉडी के गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गए हो, तो हम क्या करेंगे, हम दही को अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दैट जो बैलेंस है ना अच्छे बैक्टीरिया का, दोबारा से हम फिर से मेंटेन कर सकते हैं, राइट, ओके। फिर आ जाओ बेटा, कैसे जो फर्मेंटेशन हमने पढ़ा हुआ है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यीस्ट को यूज़ करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, आपके सामने है बहुत सारी डिशेस, इडली सांबर डोसा भटूरे छोले व्हाटएवर, जहाँ भी आपको खमीर उठाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक तरह से। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जब उस फूड को हीट किया जाएगा, बेक किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, तो पीछे से क्या छोड़ देगी बेटा, एक स्पॉन्जी अपीयरेंस, राइट। तो देखो ये जो डो है, छोले भटूरे के लिए बनाया गया डो है, जिसको फर्मेंट किया गया, जिसके अंदर खमीर उठाया गया है, आम भाषा में बोलते हैं तो कैसे होता है बेटा, वो यीस्ट के स्पोर्स डाल देते हैं, ठीक है। इन डो यीस्ट क्या बेटा, फंगस है या बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो सकता है, इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा एंड इडली, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ओके, आगे आ जाएंगे। इसके बाद देखो, हमारी जो बेकरी इंडस्ट्री है, ब्रेड केक पेस्ट्रीज जो आप लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम क्या, बेकर्स यीस्ट, क्या यूज़ कर रहे हैं, बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम क्या है बेटा, जरूर याद रखेंगे, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी,
ठीक है. इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो. ब्रेड का जो आटा गूंधेंगे उसके अंदर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जब ब्रेड को बेक किया जाएगा तो इट विल गिव अ स्पॉन्जी एंड फ्लफी अपीयरेंस. दैट इज ड्यू टू बेकर्स यीस्ट. क्या नाम है उसका? सेक्रोमाइसिस सेरिविसी. ठीक है, चलो देन आ जाओ टोडी. टोडी क्या है बेटा? एक ड्रिंक है. एक टोडी इज अ ड्रिंक. साउथ एरियाज के अंदर ज़्यादा यूज होता है. बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. देखो ये क्या है बेटा, ये टोडी निकाल रहे हैं. पाम्स के फर्मेंटेशन कर देते हैं जो सैप को, दैट इज टोडी. सो क्या किया जाता है बेटा? माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स. और क्या प्रोड्यूस करेंगे? चीज. देखो दिस इज फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड बैम्बू शूट एंड फर्मेंटेड सोयाबीन. मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं किसको? बहुत सारे ड्रिंक्स बनाने के लिए. राइट, चलो आ गया हो. ओके, स्विस चीज. स्विस चीज, दिस इज स्विस चीज. देखो होल्स देखो बेटा इस चीज के अंदर. स्विस चीज, दिस स्विस चीज हैज लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय. अब इस चैप्टर के अंदर ना आपको सारे जो भी माइक्रोब्स के नाम आएंगे उनके नेम आपको याद रखने हैं. ठीक है, प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मेनाई. दिस इज अ बैक्टीरियम, प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मेनाई. दैट इज यूज्ड टू मेक स्विस चीज, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से जो होल्स का साइज है दैट इज वेरी बिगर. दिस इज नोन एज स्विस चीज. कौन बनाता है बेटा? प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मेनाई. दिस इज अ बैक्टीरियम. ठीक है, फनी बनने के बनाने के लिए, याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं द बैक्टीरियम जिसको शर्म नहीं आई, शर्मनाई. ठीक, तो प्रोपियोनो बैक्टीरियम. देन आई बेटा रॉकफोर्टाई चीज. रॉकफोर्ट चीज दैट इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ फंगस, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई दैट इज अ फंगस. स्विस चीज कैसे बनी थी बेटा? बैक्टीरियम से. रॉकफोर्टाई चीज कैसे बनती है? दिस इज रॉकफोर्टाई चीज, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय फंगस. ठीक है, इससे हम क्या बना? दिस इज प्रोपियोनो बैक्टीरियम एंड दिस इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, दिस इज अ फंगस. ओके, देन आ जाओ बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोब्स का क्या यूज है. देखो हाउस होल्ड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कर्ड के बारे में, हमने पढ़ा बेकर्स यीस्ट के बारे में, हमने पढ़ा स्विस चीज के बारे में और रॉकफोर्टाई चीज के बारे में. ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि एल्कोहल वाली जो इंडस्ट्री है, ब्रूइंग इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक एटसेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिनको बोलते हैं फर्मेंटर्स. बहुत जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है बेटा. फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाया जाता है लार्ज फर्मेंटर्स के अंदर. ठीक है, तो इन लार्ज फर्मेंटर्स के अंदर हम क्या करते हैं? एल्कोहल योर मतलब बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स को बनवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन परफॉर्म्ड इन लार्ज फर्मेंटर. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस की. सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, जिसको बोलते हैं बेटा ब्रूअर्स यीस्ट, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स. माल्टेड सीरियल्स मतलब सीरियल्स और फ्रूट जूसेस से हम क्या करेंगे बेटा? इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे. क्या प्रोड्यूस करेंगे? इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे. स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा ग्लूकोज के अंदर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग. और अब ये जितने भी माल्टेड सीरियल्स हैं इनसे हम क्या बनाएंगे? और फ्रूट जूसेस से हम क्या बना रहे हैं बेटा? अल्कोहल बना रहे हैं. ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है ना अल्कोहल बनाने का, दैट इज बाय फर्मेंटेशन. दैट इज नॉट कि जो यीस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि 13% से ज़्यादा अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो यीस्ट किल हो जाती है नेचुरल डिस्टिलेशन में. तो ये सारे के सारे फर्मेंटेड डिस्टिलेशन से बनवाए जाते हैं. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन. देखो वाइन और जो बियर है जिनके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होगा, इनको बनाते हैं बेटा विदाउट डिस्टिलेशन. दे आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन. राइट, तो विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरेक एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ. इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट और भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है, पूरी अल्कोहल जो इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री है, दैट इज़
सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस को क्या बोलते हैं, बिटर ब्रूअर्स यीस्ट, ये यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, फर्मेंटेशन होगा सीरियल्स का, फ्रूट जूसेस का, और वाइन और बियर है इनको विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं, राइट। और विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरेक को प्रोड्यूस किया जाता है डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। एंटीबायोटिक आ जाओ, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं बेटा जिनको कोई माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस माइक्रोब्स नहीं करा है, बट दे आर ऑल्सो यूज टू किल अदर माइक्रोब्स, ठीक है। कौन से माइक्रोब्स, टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक को बनवाते भी हम माइक्रोब्स ही हैं। इट इज यूज टू ट्रैक प्लेग, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोजी एटसेट्रा, मतलब बैक्टीरियल डिजीजेस जो है दे कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। कहाँ से मिलती हैं ये भी हमें माइक्रोब से मिलती हैं, राइट। ओके आगे आ जाओ। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, किसने डिस्कवर की थी बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बाय चांस डिस्कवरी थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकस के जो बैक्टीरियम है, दैट कुड नॉट ग्रो अराउंड अ माउल्ड, माउल्ड मतलब जो पैट्री डिश के अंदर कल्चर किया उसके साइड में जहाँ जहाँ फंगस लगी हुई थी पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ग्रोइंग इन अ अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, तो स्टेफाइलोकोकस जो है, फंगस जो है कहाँ लग गई, अनवॉश्ड पैट्री डिशेस के अंदर, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये देखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के वहाँ पे बैक्टीरियम ग्रो नहीं कर पाया, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया पेनिसिलिन को फ्रॉम दैट फंगस, तो पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, दैट इज अ फंगस, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई, कौन सी, पेनिसिलिन। ओके आगे देखो, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, उन्होंने एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक इसका फुल पोटेंशियल बताया, ठीक है। किसने, फ्लोरी एंड चेन ने, फ्लोरी एंड चेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, और फ्लोरी एंड चेन ने क्या किया बेटा, दे टोल्ड देयर फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला 1945 के अंदर इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए। ओके आगे आ जाओ। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का, ये केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एसिड प्रोड्यूसर माइक्रोब्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, एस्पेरिगलस नाइगर, एसिडोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, लैक्टोबैसिलस। एस्पेरिगलस नाइगर क्या है बेटा, एक फंगस है, और याद रखेंगे सिट्रिक एसिड मिलता है इससे, वही सिट्रिक एसिड जो हमें सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। क्या नाम याद रखेंगे, एस्पेरिगलस नाइगर फॉर सिट्रिक एसिड, राइट। एसिडोबैक्टीरियर एसिटाई, इट इज अ बैक्टीरियम। एस्पेरिगलस नाइगर क्या था बेटा, दैट इज अ फंगस। एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाएगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, दिस इज अ बैक्टीरियम दैट इज कॉजिंग टेटनस, और इससे मिलेगा बेटा क्या मिलेगा, ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, इट इज अ बैक्टीरियम, क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, जो हमने कर्ड के अंदर भी पढ़ा है। तो एस्पेरिगलस नाइगर एक फंगस है, एस्ट्रोबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रिडियम एंड लैक्टोबैसिलस, दीज आर द बैक्टीरियम, और इनसे क्या मिलते हैं हमें, ऑर्गेनिक एसिड्स। चलो आगे देखो, अल्कोहल किससे मिला हमें, यीस्ट से, सेक्रोमाइसिस सेरेविस से, इससे क्या बनाया हमने, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज यीस्ट। देखो ये स्पोर्स है बेटा यीस्ट के, पैकेट्स मिलते हैं इसके मार्केट के अंदर, एंड दिस इज यीस्ट। और आपको पता है कि यीस्ट, ये क्या दिखाए हुए, इसके बड दिखाए हुए, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो यीस्ट की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल।
एंजाइम्स देखो बेटा, बहुत सारे एंजाइम, जैसे कि लाइपेजेस। अब हमें पता है एंजाइम्स के नेम हम कैसे देते हैं, जब जिस भी सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करेंगे उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एज। दैट मींस लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है लाइपेजेस, और दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। जब भी कहीं कोई चिकनाई का दाग लग जाता है तो अगर हम उसको सर्फ से, डिटर्जेंट से अगर वॉश कर दें तो वो ठीक हो जाता है ना, सारी जो फैटी है वो सब्सटेंसेस वो हट जाते हैं। किस वजह से? बिकॉज फैट्स कैन लिपिड्स, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस कहाँ यूज़ किए जाते हैं बेटा, डिटर्जेंट के अंदर। हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन्स, जैसे कि ये देखो ऑयली स्टेन, इसको सर्फ से अगर हम धो देंगे तो ये ऑयली स्टेन हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? बिकॉज इसके अंदर क्या है बेटा, लाइपेज एंजाइम जो इन फैट्स को, जो ये फैट्स के निशान है ना, चिकनाई के दाग हैं, इनको रिमूव कर देगा। देन पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, जो बॉटल जूस होते हैं, जूस के अंदर जो आपका प्रोटीन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है बेटा, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं एज अ क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर, क्लोट क्या होता है बेटा, क्लोट जब ब्लड क्लोटिंग की वजह से क्या बन जाता है, क्लोट बन जाता है। फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हू हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देखो क्या होता है, आर्टरीज है हमारी बॉडी के अंदर, जब ब्लड फ्लो करता है ड्यू टू एनी रीजन, ब्लड मान लो क्लोट कर गया, और अगर वो क्लोट उस वेसल के अंदर फंस जाए तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तब ऐसे पेशेंट जो हार्ट प्रॉब्लम होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पर्सन सफ़र करते हैं, फिर उनको हम देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ताकि वो जो क्लोट है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, डिसॉल्व किया जा सके, राइट। चलो आगे आओ, साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज़ अ ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रग मतलब मेडिसिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है बेटा, फंगस है एक, इट इज़ अ फंगस। कौन सी ड्रग बनेगी, साइक्लोस्पोरिन। क्या काम आती है, हमने पढ़ा था जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब रिस्पॉन्ड तो करेगा ना जब भी कोई भी चीज़ जो बाहर से आ रही है, दैट इज़ फॉरन फॉर आवर इम्यून सिस्टम, राइट। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, उस केस में हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हो तब इम्यून सिस्टम एक्टिव ना हो, दैट शुड रिमेन सप्रेस सो दैट ऑर्गन को बॉडी एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो उस केस में हम क्या देंगे बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए। कहाँ से मिलती है ये, दैट इज फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देन आते हैं बेटा स्टैटिन्स। स्टैटिन्स भी क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। अक्सर हार्ट के पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बेटा आर्टरीज के अंदर, जिसके वजह से ल्यूमन कम हो जाता है आर्टरीज का और ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो उस केस में क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए क्या दिए जाते हैं, स्टैटिन्स, ठीक है। कहाँ से बनाए जाते हैं स्टैटिन्स, मोनेस्कस परप्यूरियस, इट इज अ यीस्ट। स्टैटिन्स, मोनेस्कस परप्यूरियस, साइक्लोस्पोरिन दैट इज फंगस, मोनेस्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट। क्या बनाएगी, स्टैटिन्स। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, कहाँ से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। स्टैटिन्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर। एंड वॉट इज क्लॉट बस्टर, क्लोट बस्टर क्या होंगे, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो अभी के अभी याद करेंगे, क्लोट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलेंगे बेटा, ये हमें स्ट्रेप्टोकोकस से, ये आपको नाम से याद रह जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से क्या काम करेंगे, क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से मिलेगी बेटा, फंगस, कौन सी फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या काम आएगी, इम्यूनो सप्रेसेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और स्टैटिन्स क्या काम आते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए हार्ट के पेशेंट में। और स्टैटिन्स को कहाँ से लिया हमने, एक यीस्ट है, दैट इज मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाइट राइस के ऊपर ग्रो कर रही है मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन
इस तरह के आपको मार्केट के अंदर पैकेजिंग मिलते, दीज आर स्टैटिन्स, राइट। चलो अब देखते हैं बेटा, ये तो हमने डिस्कस किए माइक्रोब्स का रोल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है माइक्रोब्स का। देखो सबसे पहले देखो बेटा सीवेज होता क्या है, व्हाट इज सीवेज। तो सीवेज क्या है, इट इज़ अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जिसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। जो आपके घरों के अंदर जो रूटीन में सीवेज का वाटर इकट्ठा होता है, आपने देखा होगा कि आपके लोकेलिटीज़ में, आपकी सोसाइटीज़ में मेन होल से बने होते हैं ना सीवेज, सीवेज जिसको बोलते हैं सीवेज के लिए। तो सीवेज क्या है, बेसिकली इट इज़ अ हाउस होल्ड वेस्ट है, सारा म्यूनिसिपल वेस्ट है जिसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा और साथ ही साथ क्या होंगे, कुछ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स होंगे मतलब। अब सीवेज को क्या करते हैं बेटा, दैट इज अगर आपने उस वेस्ट वाटर को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स भी हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो आप उस पानी को या म्यूनिसिपल वेस्ट को एज इट इज नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको करने क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कहाँ करेंगे, शहर से बहुत दूर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पर, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ताकि वो जो वाटर है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरा डाइजेस्ट कर दिया जाए और उसको लेस पॉल्यूटेड बना दिया जाए। इसके अंदर बेटा दो स्टेजेस में हम ट्रीटमेंट करेंगे, एक तो होगी बेटा प्राइमरी स्टेज और दूसरी होगी सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम ठीक है उसको जस्ट फिजिकल रिमूवल ही करेंगे हम, किसका, जो भी वेस्ट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम माइक्रोब्स को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। तो देखो कुछ इस तरह से बेटा ये दिखते हैं, देखो सारा गंदा पानी आ रहा है, इस सारे गंदे पानी को यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता है टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड। ओके देखो सबसे पहले देखो बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जस्ट फिजिकल रिमूवल है ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल रिमूवल मतलब मैनुअली रिमूव करना है, मैनुअली मतलब कोई भी ऐसे मैचेस लगा देंगे। जैसे देखो ये ग्रिड चैम्बर है, यहाँ हमने बड़े बड़े ये आयरन के पिलर्स लगा रखे हैं ताकि जो बड़ा वाला कचरा है वो इस तरफ ही रह जाए, ठीक है, और बाकी जो साफ वाटर है वो कहाँ चला जाए, ग्रिड चैम्बर में। पानी आ रहा है, पानी के अंदर बहुत सारा वेस्ट है, बहुत सारा कचरा है, तो बड़ा बड़ा कचरा है अपने जो बैरियर्स हैं इनकी हेल्प से पहले ही अलग कर दिया और वाटर को अलग कर दिया। लाइक जैसे बेटा छलनी, छलनी में से क्या करते हैं, जब हम कोई मान लो चाय को हम छानते हैं तो चाय नीचे चली जाती है, उसके ऊपर ऊपर क्या रह जाते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, पत्ती जो लीफ होते हैं, टी लीव्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सबसे पहले बड़े बड़े सामान को हटा दो सिंपल भाषा में, देन हमें करना है बेटा जो इसके अंदर ग्रिट है, ग्रिट के अंदर क्या क्या होगा, सॉइल होगी, छोटे छोटे कोई पैबल्स होंगे, रेत के कण होंगे, राइट। तो उनको अगर हम थोड़ी देर पानी को रख दें तो हमें पता है कि जो हैवी चीज़ होती है वो क्या कर जाती है, सेडिमेंट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो सेटल्ड सॉलिड्स फॉर्म प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द प्राइमरी एफ्लुएंट। देखो पानी यहाँ से छन के आ गया, एक तरह से बड़ा बड़ा मटेरियल इधर रह गया, पानी जब इधर आएगा ग्रिड चैम्बर में तो इसके अंदर सॉइल है, कुछ पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे बेटा, नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर ऊपर क्या आएगा, साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। साफ मतलब कुछ हद तक उसमें से सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से जो हैवी वेस्ट मटेरियल है वो नीचे बैठ चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज, राइट, कीचड़ टाइप सा हो गया ना, दलदल वाला सा। और इसको ऊपर वाले लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट, क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। आप देखो प्राइमरी एफ, दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़े बड़े लार्ज मटेरियल को अलग किया है, पानी को एक चैम्बर, ग्रिड चैम्बर के अंदर जाने दिया है जिसके वजह से हैवी पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं, ऊपर वाला साफ पानी जो आ गया है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट, जो नीचे बैठा है दैट इज स्लज। आगे आ जाओ, आप देखो
प्राइमरी एफुलेंट जो है, अब उसको क्या करेंगे बेटा, हम पास करवाएंगे इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब जब जहाँ पे कंटिन्यूस एयर की सप्लाई करी जाएगी और कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। कैसे होगी कंटिन्यूस एयर की जो सप्लाई है ऑक्सीजन, कैसे होगी कंटिन्यूस, उसका बेटा पानी का मूवमेंट होता रहेगा, दैट इज कंटिन्यूसली एजिटेटेड। क्या आया है? प्राइमरी एफ्लुएंट आया है। किसके अंदर आया है? लार्ज एरिएशन टैंक के अंदर, जहाँ पे कंटिन्यूस पानी को मूवमेंट दी जाती है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन की जा सके। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे। जैसे जैसे शेकिंग होगी, ऑक्सीजन जनरेट होगी, जो माइक्रोब्स हैं कौन से एरोबिक माइक्रोब्स, उनकी ग्रोथ हो जाएगी तेजी से। और क्या बन जाएंगे बेटा? फ्लॉक्स बन जाएंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं? दीज आर द बैक्टेरियम एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। ये मान लो फंगल फिलामेंट है, ठीक है, इनके अंदर क्या फंस गए, ये बैक्टीरिया के बैक्टीरियम, तो ये देखो ना एक मैच लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फ्लॉक। क्या बोलेंगे? फ्लॉक। ओके, अब ये जो माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, किसके अंदर? फंगल हाइफी के अंदर मैश बन गई है, ठीक है, तो दैट इज फ्लॉक बन गया है। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर इन द प्राइमरी एफ्लुएंट, जिसकी वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगी? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का बीओडी रिड्यूस होने का मतलब पॉल्यूशन जो है वो कम हो गया, ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया। किसने करा बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया ने, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट थे? फ्लॉक्स के अंदर, ठीक है। देखो एरिएशन टैंक्स इस तरह के होते हैं रियलिटी में। अगर हम इसका एक पिक्चर बनाएं तो प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है, इसको कहाँ ले गए बेटा? एरिएशन टैंक में। देखो ये एयर कंप्रेसर है, यहाँ से कंटिन्यूस एयर सप्लाई चलती रहती है, क्यों? ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो कर सके। अब ये जो एरिएशन टैंक से, अब हम आगे देख के जाएंगे, जो एफ्लुएंट आएगा बीओडी रिमूव होने कम होने के बाद, माइक्रोब्स के प्रोसेस से डाइजेशन होने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल की, अब जो एफ्लुएंट आएगा दैट इज सेकेंडरी एफ्लुएंट। और ये क्या है बेटा? फ्लॉक्स, मैश लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? दीज आर फ्लॉक्स। आगे आ जाओ, बीओडी बायोकेमिकल, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको जरूर याद रखेंगे। ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का, ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का विच इज कंज्यूम्ड बाय, कौन कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को? बैक्टीरिया। किस लिए यूज कर रहे हैं? टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसकी डिमांड है बेटा? ऑक्सीजन की, राइट? तो इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। जितनी BOD कम दैट मीन्स उतना कम ऑर्गेनिक मैटर, जितना BOD ज्यादा दैट मीन्स उतना पॉल्यूशन लेवल ज्यादा। तो ग्रेटर द BOD मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में, पॉल्यूशन किस में है? वाटर में, ठीक है। अब जो एफ्लुएंट आया, कौन सा एफ्लुएंट है बेटा? अभी सेकेंडरी एफ्लुएंट, उसको पास कर देंगे इनटू अ सेटलिंग टैंक। एक सेटलिंग टैंक के अंदर अब हमने सेकेंडरी एफ्लुएंट को भेजा, जहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। This sediment is called activated sludge. क्यों? क्यों हमने बेटा इसको activated sludge बोला? Because
किसने ट्रीट किया है बेटा इसको? माइक्रोब्स ने, बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल एजेंट्स ने इसको ट्रीट किया है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लग. और ऊपर जो लेयर आई एरिएशन टैंक से, एफ्लुएंट कहाँ आ गया बेटा? फाइनल सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे फ्लॉक सेटल हो जाएंगे. ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी एफ्लुएंट. ठीक है, अब जिसमें से ऑर्गेनिक मैटर भी हट चुका है और जो फ्लॉक्स बने थे वो नीचे बैठ जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो पार्ट है ना एक्टिवेटेड स्लज का, उसको हम वापस से पंप कर देंगे एरिएशन टैंक में, सो दैट इट कैन सर्व एज इनैक्युलम. क्या करे, क्या करता है बेटा इनैक्युलम? वही काम जो दही जब दूध में डाला था तो और दही बन गया था. ठीक है, तो जब हम एक्टिवेटेड स्लज को और डालेंगे एरिएशन टैंक में तो बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे और हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर आता जाएगा उसको डाइजेस्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो कुछ पार्ट हम एक्टिवेटेड स्लज का वापिस से पंप कर देते हैं. आगे आ जाओ. और जो रिमेनिंग स्लज बना उसको हमने लास्ट टैंक के अंदर पंप कर दिया, जिसको क्या बोला? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. अब जो स्लज बना ना, जो एक्टिवेटेड स्लज है, माइक्रोब्स ने, एरोबिक माइक्रोब्स ने जिसको ट्रीट किया, उस स्लज का एक पार्ट तो, कुछ पार्ट तो हमने एज एनैक्युलम यूज कर लिया. बाकी जो स्लज है उसको अब कहाँ भेज देंगे बेटा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. क्या होगा देखो वहां पर, यहाँ होंगे बेटा अब कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर करते हैं, राइट? और बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया जो स्लज के अंदर है, एंड फंजाई, मतलब जो फ्लॉक्स बने थे बैक्टीरिया फ्लंजम के, एनारोबिक बैक्टीरिया अब उनको डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देंगे. ठीक है, इन द स्लज. और क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपको पता है एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बेटा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. यस, ये वही गैसेस हैं जो कहाँ यूज़ होती हैं? बायोगैस में, गोबर गैस. ठीक है, कौन कौन सी? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दिस एफ्लुएंट इज रिलीज्ड. अब इस जो सेकेंडरी एफ्लुएंट से आपने स्लज भी हटा दिया, एक्टिवेटेड स्लज भी हटा दिया ना, एरोबिक बैक्टीरिया का डाइजेशन भी करवा लिया और जो स्लज था, फ्लॉक्स थे, उनको भी आपने सेपरेट कर लिया. अब ये वाटर क्या है? क्लीन वाटर है. तो अब इस वाटर को हम रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर छोड़ सकते हैं. और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमने क्या बनवा ली बेटा? बायोगैस बनवा ली. ठीक है, देखो स्लज डाइजेशन, स्लज को कहाँ लेकर आए बेटा? स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर. इसको ड्राई करेंगे, ड्राई स्लज फिनिशिंग के बाद हमारे पास ये गैसेस जब आएंगे मीथेन, तो देखो इसको हम एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं. ठीक है, गांव में जो गोबर गैस यूज की जाती है, दैट इज इन गैसेस से हम बनवा सकते हैं क्या? बायोगैस. तो एक बार देखो बेटा सारे स्टेप्स को हम कंबाइन करते हैं एक बार जल्दी से. सबसे पहले देखो प्राइमरी एफ्लुएंट, समझ में आया क्या किया? पहले तो हमने लार्ज डेब्रिस को रिमूव कर दिया. सेडिमेंटेशन किसका? ग्रिट चैम्बर के अंदर, सॉइल और जो भी ग्रिट थी उसके अंदर. प्राइमरी एफ्लुएंट को कहाँ ले गए बेटा? एरिएशन टैंक में. एरिएशन टैंक में क्या था? कंटिन्यूस एयर की सप्लाई थी और कंटिन्यूसली एजिटेशन करवाया जा रहा था, कांस्टेंट एजिटेशन, ताकि ऑक्सीजन बनती रहे. किसके लिए चाहिए ऑक्सीजन? एरोबिक बैक्टीरिया के लिए. तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के क्या बन गए बेटा? फ्लॉक्स बन गए. फंगस मैश के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया मिलके क्या बन गए? मैश लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फ्लॉक्स. अब क्या हुआ? एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कर देंगे डाइजेस्ट, जिसकी वजह से बीओडी हो जाएगी रिड्यूस. बीओडी क्या थी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी जो चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करने के लिए? डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, बीओडी रिड्यूस हो गई. ओके, आगे आ जाओ. अब ये एफ्लुएंट कौन सा आ गया बेटा? सेकेंडरी एफ्लुएंट. सेकेंडरी एफ्लुएंट को कहाँ भेजा बेटा? सेटलिंग टैंक के अंदर. अब यहाँ से क्या हुआ? फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन हो गया एक्टिवेटेड स्लज में. एक्टिवेटेड स्लज को कुछ पार्ट तो एज इनैक्युलम हमने वापस से भेज दिया एरिएशन टैंक में, राइट? और कुछ हमने क्या किया बेटा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेज दिया. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देंगे स्लज को और यहाँ से हम क्या बनवा लेंगे? बायोगैस बनवा लेंगे. ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप ये हमें क्लियर हो गया है. ठीक है, अच्छा अब
जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर भी तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है. तो क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कुछ ऐसे एक्शन प्लान शुरू किए हैं, दैट जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव द वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन. आप देख सकते हैं गंगा के किनारे, यमुना के किनारे सब कितना सारा हम कचरा फेंक आते हैं. ठीक है, गंगा में जाते हैं पाप धोने, बट गंगा को ही मैला कर आते हैं. ठीक है, देख लो. तो जिसकी वजह से हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री है, उसको गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट करना पड़ा. चलो अब देखते हैं बेटा, ये जो हमने बायोगैस की बात की, ये जो बायोगैस है ये कैसे बनवाई जाती है. ओके, देखो बायोगैस बेसिकली है क्या. बायोगैस क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें मेनली कौन सी गैस होती है बेटा, मीथेन. ठीक है, बहुत जहरीली वाली गैस है. किसने प्रोड्यूस की है, हमने पढ़ा हुआ है मिथेनोजन, वो बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो रिमिनेंट एनिमल्स की हमने देखा, काउडंग रिमिनेंट एनिमल्स देते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं. मिथेनोजन्स कहाँ ग्रो करते हैं, एनारोबिकली. किस लिए, सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर. और रुमिनेंट एनिमल्स जो हर्बीवोर्स हैं, जो भी खाना वो खाते हैं, तो उनके अंदर मिथेनोजन्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है, सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर एनारोबिकल एक्शन होता है और क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, मिथेनोजन्स, मिथेन गैस अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इनको बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम. मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ मिलते हैं बेटा, एनारोबिक स्लज के अंदर, जो एनारोबिक हमने अभी देखा स्लज जो बनवाया, और रूमेन ऑफ कैटल में. किसके लिए, फॉर सेलुलोज डाइजेशन के लिए. तो बायोगैस जो है इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, रूरल एरियाज, जहाँ पे एलपीजी नहीं पहुँच पाती है. ठीक है, जो हम सिलेंडर्स यूज़ करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल, बायोगैस. बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. तो कैटल डंग जो है, गाय का जो गोबर है, उसके अंदर ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं काउ डंग को. किस लिए, टू प्रोड्यूस बायोगैस दैट इज नोन एज गोबर गैस. देखो क्या किया, एडिंग काउ डंग टू, ये बायोगैस का यूनिट है बेटा, इसके अंदर कन मतलब मेंटेन रखते हैं, काउ डंग जो है, गोबर जो है वो ऐड होता रहता है. बैक्टीरियम कौन से, मिथानो बैक्टीरियम. ठीक है, चलो पार्ट्स देखो बेटा बायोगैस के. सबसे पहला क्या होता है बेटा, एक कंक्रीट टैंक बनाते हैं, 10 से 15 फीट डीप का है, डीप का एक टैंक बना दिया. जनरली क्या होता है कि घरों के बाहर की तरफ मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है. ठीक है, 10 से 15 फीट का टैंक होता है. इसके अंदर क्या होता है, बायो वेस्ट कलेक्ट करते रहते हैं, और स्लरी क्या होता है, थोड़ा सा वाटर वगैरह ऐड कर दिया जाता है, तो वो एक लाइक लिक्विड सा, सेमी लिक्विड टाइप सा स्लरी बन जाती है डंग की. उसके ऊपर रखते हैं बेटा एक फ्लोटिंग कवर. क्या डालते हैं, फ्लोटिंग कवर. देखो ये क्या है, दिस इज अ कंक्रीट टैंक, और ये क्या है, फ्लोटिंग कवर है. इस प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगी. देखो यहाँ से डंग डाला, डंग के साथ वाटर डाला, तो क्या बनती है बेटा, यहाँ पे स्लरी बनती है. इसको कलेक्ट करते रहते हैं किसके अंदर, इस टैंक के अंदर, राइट. और क्या होगा, इसके अंदर एक आउटलेट लगा देंगे हम. क्या लगा देंगे, एक आउटलेट टू सप्लाई द बायोगैस. ये है कंक्रीट टैंक, दिस इज कंक्रीट टैंक. एक तरफ से क्या डाल रहे हैं, स्लरी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या डाल रहे हैं बेटा, बायोगैस निकाल रहे हैं यहाँ से. इसके ऊपर क्या लगा दिया, फ्लोटिंग कवर लगा दिया. जैसे ही स्लरी के अंदर मिथेनोजन्स, जो मिथेन बैक्टीरियम है काउडंग के अंदर प्रेजेंट है, वो अपना काम करेंगे, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, तो गैसेज प्रोड्यूस होंगी. कौन सी, मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग कवर जो है वो ऊपर राइज करेगा. और यहाँ से हम क्या करते हैं, दैट इज आउटलेट. आउटलेट किस लिए रखा हमने, टू रिमूव द स्पेंट स्लरी, और इस स्पेंट स्लरी को यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, और यहाँ से जो गैस है उसको हम कलेक्ट करते रहेंगे, यूज़ कहाँ करेंगे, कुकिंग और एज अ बायोफ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, चलो ये बेटा कुछ इस तरह का बायोगैस प्लांट है ये.
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, नाम याद रखेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC डिवेलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। ये देखो, ये इस तरह से घरों के बाहर लगा देते हैं जिसके अंदर काउ डंग डालते रहेंगे और बायोगैस कलेक्ट करते रहेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, चलो लेट्स सी इसके अंदर क्या होगा। तो देखो, बायो कंट्रोल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे हम फॉर किसके लिए, बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। प्लांट डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स दैट इज नोन एज बायो कंट्रोल। क्या यूज़ कर रहे हो बेटा, बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेडी बर्ड, दिस इज लेडी बर्ड, ठीक है, लेडी बर्ड और जिसको बीटल भी बोलते हैं, दैट कंट्रोल एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं, वो इंसेक्ट्स जो प्लांट्स को, दीज आर एफिड्स। ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करती है बेटा मॉस्किटोज को। तो इस तरह से अगर आप मान लो बीटल से बचाना है तो आप एफिड्स को यूज़ कर सकते हो, ड्रैगन फ्लाई अगर आप छोड़ देंगे तो मॉस्किटो से बचा सकते हो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोब्स या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम डिजीजेज से बचा रहे हैं प्लांट को। केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स दोनों हम यूज़ करते हैं टू किल पेस्ट और इंसेक्ट्स को, बट इसका नुकसान क्या होता है बेटा, अच्छे जो पैथोजेंस होते हैं उसके साथ साथ बुरे वाले भी ख़त्म हो जाते, बुरे तो ख़त्म होंगे ही होंगे, अच्छे वाले भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इट किल्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और कॉज करते हैं पॉल्यूशन। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं उनके साथ पॉल्यूशन वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, अब देखो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट में बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए, बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर लार्वा है दैट स्पॉइल्स द कंप्लीट क्रॉप, है ना। जैसे कि हमने क्या किया कि ये जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है अगर ये किसी भी क्रॉप को ख़राब कर रहा है, तो अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बेटा बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल कौन से चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया बेटा, एक बैक्टीरियम है, दिस इज बैसिलस थ्रेंजेंसिस, बैसिलस थ्रेंजेंसिस के ना ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी, ड्राइड स्पोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है बीटी के किसमें, सैशेज में अवेलेबल होते हैं, इनको मिक्स करते हैं वाटर के साथ और स्प्रे करते हैं वो वाले प्लांट्स जो मोर वल्नरेबल हैं टू दिस अटैक, दैट इज ब्रेसिका फ्रूट ट्रीज, और दीज आर रिटन बाय कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है बेटा, इंसेक्ट है। तो बीटी बैसिलस थ्रेंजेंसिस के अंदर क्या समझा था हमने, एक प्रोटीन बनती है क्राई प्रोटीन। ठीक है, उस प्रोटीन को बनाने वाली जीन को हमने सब देखा था कि आइसोलेट किया और प्लांट्स के अंदर डाल दिए, जब भी प्लांट आके उसको, कोई भी इंसेक्ट आके प्लांट को खाएगा तो हम मतलब वो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाएगा, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। क्यों किल हो जाता है वो इंसेक्ट, क्योंकि जो प्रोटीन है दैट क्रिस्टलाइन प्रोटीन इन द बैसिलस थ्रेंजेंसिस वो खुद की बॉडी में बैक्टीरियम की इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे ही उसको एल्कलाइन पीएच मिलती है, जो कहाँ मिलती है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में, तो वो एल्कलाइन पीएच मिलते ही जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाती है, मिड गट की अंदर होल्स हो जाते हैं इंसेक्ट की मिड गट के अंदर, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होता है, किल हो जाता है। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है बेटा, वो बीटी वाले स्पोर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हमने क्या किया, उन जो स्पोर्स हैं उनको स्प्रे कर दिया प्लांट पूरी क्रॉप के ऊपर। ठीक है, अब इंसेक्ट आएगा और जैसे ही उनके गट के अंदर ये टॉक्सिन रिलीज होंगे तो उनके जो लार्वे हैं वो किल हो जाएंगे। ठीक है, गट के अंदर क्या मिलेगी, एल्कलाइन पीएच। साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बैसिलस थ्रेंजेंसिस टॉक्सिन जीन्स किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और हम ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने इस तरह से बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी डिवेलप की हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट का, पेस्ट का असर नहीं होता है, दैट इज बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल बीटी टोमेटो, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं। राइट, तो हमने क्या किया बेटा, माइक्रोब्स को यूज़ किया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ना कि किसी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ किया। ठीक है, चलो, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम, व्हाट
दैट इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है, फंगस जो है ट्राइकोडर्मा रूट्स के अंदर दिखती है और क्या कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, रूट्स खराब नहीं होती है, प्लांट का अपना एक मैकेनिज्म है कि फंगस इसके ऊपर ग्रो कर जाती है, किसके ऊपर, रूट के ऊपर। ओके, अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, इट इज सुटेबल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, हमने पढ़ा था जो बीटी कॉटन जो हमने बनवाई थी जब हमने बैसिलस थ्रेंजेसिस की बात की थी, या जब हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है दैट जो प्रोटीन्स हैं जिनको बनाने वाले जीन्स, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो इंसेक्ट्स की स्पीशीज के ऊपर ही एक्ट करती हैं। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन एंड डिजायरेबल इन IPM दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो अब हमने क्या किया, अब हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ किया जिसकी वजह से हम ये IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करवा पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस स्पेशली जीन कौन सी, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस बैक्यूलोवायरस। ठीक है, दीज आर दे अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। देन आ जाओ बेटा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स क्या होगा बेटा इसमें, देखो बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, बैक्टीरिया फंगस साइनोबैक्टीरिया ऑलरेडी वी नो। ठीक है, राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं और फिक्स करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो अच्छी बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, राइजोबियम बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल कौन कौन से हैं, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम एंड एजिटोबैक्टर एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, क्या एनरिच करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो ये एज अ फर्टिलाइजर्स एक्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये देखो ये रूट नोड्यूल्स हैं ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जिनमें क्या रहते हैं बेटा, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ बेटा माइकोराइजा के बारे में, माइकोराइजा क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस की, कौन सी फंगस है, ग्लोमस फंगस, कौन सी, ग्लोमस, किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, तो फंगस को क्या मिल रहा है बदले में, प्लांट से फूड मिल रहा है और प्लांट को क्या मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है रूट्स के थ्रू, फंगल हाइफी अपना एसोसिएशन बनाते हैं। फंगल सिम्बायंट परफॉर्म्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखो, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और इसको पास कर देते हैं प्लांट्स के पास, रेजिस्टेंट देते हैं टू रूट बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राफ्ट, मतलब जो ये एबायोटिक स्ट्रेस है, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ गया या किसी भी तरह से सूखा पड़ गया कुछ, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो फंगस है माइकोराइजा के, फंगस जो कंपोनेंट है, एक तो फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प की, दूसरा रेजिस्टेंट दिया रूट बॉर्न पैथोजेंस को और टॉलरेंस बढ़वा दी टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में और डिवेलपमेंट में। ठीक है, ओके, साइनोबैक्टीरिया देख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं कॉमनली, वो क्या काम आते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, वी नो पहली बार जो ऑक्सीजन आई थी इस अर्थ पर दैट इज किसकी बदौलत थी बेटा, कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि एनाबिना नॉस्टक ऑसिलेटोरिया, राइट, पैडी फील्ड्स के अंदर चावल के जो खेत होते हैं, साइनोबैक्टीरिया दे सर्व एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल और क्या करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखे बेटा बायो जो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में माइक्रोब्स का यूज़, बायो कंट्रोल एजेंट्स के लिए माइक्रोब्स का यूज़, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, सीवेज ट्रीटमेंट में, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन बनाने में, वी हैव सीन हाउ यूजफुल दीज माइक्रोब्स आर फॉर अस। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू कौन सा चैनल, साइंस इजिली, योर यूट्यूब चैनल। ठीक है।
ठीक है. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल. सो थैंक यू.